सभी लोगों को नमस्कार। आज 12 मार्च 2023 है और ये देखिए मेरे सामने कनेर का फूल है, हम लोगों के जो सबसे बड़ा वाला जो मिट्टी वाला एरिया है वहाँ पे। और बारिश के टाइम में तो और ज़्यादा फ्रेश हो जाता है एकदम, मतलब वाइब्रेंट सा अपनी सौंदर्यता को बिखेरता हुआ। और कुछ कुछ फूल अभी काफ़ी अच्छे हुए हैं हम लोगों के बगिया में। देखिए अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले चिड़िया थी, चिड़िया चली गई हैं और मेरे हाथ में बैठी है। अरे नहीं, एक चिड़िया है, आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, और ये उड़ गई। ये देखिए सदाबहार, सदैव बहार को बिखेरता हो। और ये देखिए कैक्टस में फूल, ये थोड़ा सा ड्रैगन फ्रूट जैसा लगता है, शायद मिलते जुलती वैरायटी होगी, उसी की ही फैमिली और जीनस होगा, इसलिए ऐसा वो हो रहा है। और ये फाइनली करी पत्ता थोड़ा सा शेप लिया, हम लोग यहाँ करी पत्ता होता ही नहीं है। और मम्मी गुड़ाई का काम करते हुए सभी लोगों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ पकड़ रखी हैं। और एक फूल मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए छोटा सा है, सिंगल डंडी वाला, पर इतना बेहतरीन उसका कलर है। ये देखिए हरियाली और उसके बीच में शांति पहुंचाता हुआ आंखों को। ये देखिए और देखिए अपना सौंदर्य बिखेरता हुआ बोगनवेलिया। बोगनवेलिया हम लोगों ने ऊपर से तोड़ा तो उसका सूखा हुआ, तो थोड़ा फिर से फ्रेश कलर के साथ, नए जोश के साथ निकलता हुआ। और ये पापा ही बताते थे कि मतलब पुराना वाला आप तोड़ दीजिए जो उसका बुझ चुका है, जा चुका है, तो उसकी एनर्जी जो है वो इधर लगाएगा। और देखिए रिजल्ट सामने है, देखिए मैं आपको पास से दिखाऊंगा। ये देखिए इस साइड से शायद इसका कलर देखिए एकदम निखर के आएगा। और सूर्यास्त होता हुआ पीछे की ओर इन बिल्डिंगों के, गगनचुंबी इमारतें जो पहले सूरज दिखाई देते थे अब इसने ढक दिया है, पर शहरीकरण होता हुआ। और उसी के बीच में एक उम्मीद, और ये ऊपर अगर आपको दिखाई दे रहा हो ना तो ये ग्रीन बी ईटर उड़ रही हैं हरे रंग की, मैंने एक वीडियो में इन लोगों का कैप्चर भी डाला था। तो चलिए इसी के साथ मैं नमस्कार बोलूँगा। और ऊपर कुछ गौरैया थी, चलिए नमस्कार।